हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज से हमारी नई सीरीज शुरू होने वाली है सिबू की, जो कि है फिलीपींस में। अभी मैं हूँ सिंगापुर के टर्मिनल 4 पे, और यहाँ से हमारी बजट एयरलाइंस है सिबू पैसिफिक, जो कि 4 घंटा लेगी सिबू पहुँचाने में। और हमको ये फ़्लाइट मिली है 255 सिंगापुर डॉलर में, और ये एकदम प्रमोशनल प्राइस थी, तो इसके लिए बहुत सस्ती मिली। बाकी 4 घंटे की फ़्लाइट इतनी सस्ती मिलती नहीं है। तो अभी मेरी फ़्लाइट है 1:15 बजे रात को, और हम पहुंच जाएंगे 4:45 बजे सुबह को, और फिर हम जाने वाले हैं वहां से सिबू। सिबू में से फिर जाने वाले हैं हम एक दूसरे एक आइलैंड है बोहल करके, वहाँ पे जाने वाले हैं। वहाँ पे 2 नाइट रुकने वाले हैं, सिबू में 1 नाइट रुकने वाले हैं। तो मैं पूरा आपको पूरा सिबू भी घुमाने वाला हूँ, और आजू बाजू के जो आइलैंड है फेरी में जाने वाले हैं, 2 घंटे की फेरी है, तो वो भी मैं आपको घुमाने वाला हूँ। तो ये पूरी सीरीज़ आप अच्छे से देखना, और मैं आपको बीच बीच में आपको थोड़ी और भी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, कि आपको ट्रैवलिंग के रिलेटेड टिप्स भी देता रहूँगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज पहली बार है जो मैं रात को ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। बाकी मेरी ज़्यादातर फ्लाइट्स होती हैं मॉर्निंग की, पर ये जो सिबू पैसिफिक है वो रात को ही ऑपरेट करती है, और यही बेस्ट टाइमिंग है। अगर आपको ट्रैवल करना है और फुल डे एंजॉय करना है सिबू में, तो आप यही एंजॉय कर सकते हो। अभी जैसे ही मैं 1:15 बजे की फ़्लाइट लेता हूँ, तो मैं 4:45 बजे सुबह पहुँच जाऊँगा, तो मुझे पूरा दिन मिलेगा सिबू घूमने का और दूसरी जगह पर एक्सप्लोर करने का। और मेरा आने का टाइम भी ऐसा ही है, रात को 8:30 बजे मैं वहाँ से डिपार्चर करूँगा, और मैं यहाँ पे पहुँचूँगा सुबह रात को 12:30 बजे, तो मुझे पूरा दिन भी मिलेगा वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हमारा मेन गेट ओपन हो चुका है, तो अभी हम क्यू में लगते हैं, क्योंकि 12:45 को हमारी फ़्लाइट है। वीज़ा के बारे में मैं आपको वहां पे सिबू पहुंचने के बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और कैसे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। स्वागत है आपका सिबू एयरपोर्ट पे। अभी मैं यहाँ पे हूँ कस्टम के पास। यहाँ पे है टॉयलेट, और यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर भी है। ये रहा मेरे पीछे, आप देख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर। तो आप यहाँ पे पानी की बोतल लाए हो तो पानी भर सकते हो। और ये है बैगेज काउंटर, तो यहाँ पे सारे बैगेज होते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे नीचे आओगे ना, तो आपको ऐसा एक फ़्लाइट में फॉर्म दिया जाएगा, जिसको आपको फ़िलअप करना है। आपकी जो भी है नेम, पासपोर्ट नंबर, ये सब डिटेल डालनी है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम, तो वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस ऑफिसर होगा, वहाँ पे आपको ये फॉर्म सबमिट करना। जैसे ही आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, आपको ऐसा यहाँ पर मनी चेंजर मिल जाएगा, पर यहाँ पर रेट बहुत कम दे रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप यहाँ से ना करवा के आप एयरपोर्ट से बाहर या होटल के पास ही करवाना। और ये है यहाँ का एग्जिट। अभी बजे सुबह के 6:15, और यहाँ पे इतना सुबह सुबह उजाला हो गया कि लग ही नहीं रहा कि ये 6:15 बज गए हैं। अभी हमने टैक्सी मंगवा ली है, क्योंकि अभी हम एयरपोर्ट से डायरेक्ट Pier 1 सिबू का जो फेरी टर्मिनल है वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ से हम को सिर्फ 15-20 मिनट लगेंगे। वहाँ से हमारी 6 बजे की भी फेरी होती है और 8 बजे की भी फेरी होती है, पर अभी तो 6 बजे वाली फेरी निकल गई होगी, तो अभी 8 बजे वाली फेरी में जगह मिलती है या नहीं वो वहाँ जाकर ही पता चलेगा।
अभी हम पहुंच चुके हैं पियर वन पर और यहाँ पे है पीछे टर्मिनल वन, वहाँ से हमको एंट्री लेनी है। पर यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ टिकट कहाँ से लेनी है। ये है यहाँ का टिकटिंग ऑफिस, तो आपको यहाँ पे आकर ही पैसे देकर टिकट लेनी है। कैश भी देना पड़ेगा और आईडी भी दिखाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी टिकट मिल जाएंगी। हमको जाना है, आपको दिखा देता हूँ जूम करके, हमको जाना है सैपुर तेलंगा, जो पहली 8:20 वाली है ना, वो 7 बजे वाली भी है एक फेरी, तो हम वो फेरी में जाने वाले हैं। और कुछ ऐसी है टिकट, तो हमने अभी एंट्री ले ली है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे मनीला ट्रिप में भी ये दोनों के साथ में ही मैंने मनीला ट्रिप एंजॉय की थी। और रीमा को तो आप जानते ही हो, तो अभी हम आगे अभी बोर्डिंग करते हैं। ये एक 25 पैसों की एक पर पर्सन की टिकट है, वो भी आपको लेनी पड़ेगी। ऐसी फेरी आती है जो अंदर बैठने वाली भी होती है और ऊपर बैठने वाली भी होती है, तो हमने चूज की है ओपन एयर। हमने ओपन एयर फेरी चूज की है, तो हम ऊपर बैठ सकते हैं, तो पूरा व्यू भी एंजॉय कर पाएंगे। आपको दिखाता हूँ, इस फेरी जेटी का नाम है टाक बिलारांग। और जैसे ही आप एग्जिट करोगे, फेरी से बाहर निकलोगे ना, तो आपको बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर और टूरिस्ट एजेंट मिल जाएंगे, टूर गाइड मिल जाएंगे। पर जैसे जैसे आप आगे जाओगे, वैसे वैसे आप बार्गेनिंग करोगे ना, तो आपको सस्ता मोटर बाइक रेंटल से लेकर टूरिस्ट शेयरिंग रिक्शा ये सब भी मिल जाएगा। तो आप पहली बार में ही आप अग्रीमेंट कर दीजिएगा, आप थोड़ा बार्गेनिंग भी करिएगा, और थोड़ा ऐसा हो तो बाहर गेट से बाहर निकलते ही आप मोटर बाइक रेंट करिएगा। हमने ये तो दो बाइक हमने ली है, ये वाली और एक ये वाली। तो पहले भी मैंने बताया ही है वीडियो में और अब भी बता रहा हूँ कि जब भी आप बाइक रेंट करो कहीं पर भी, तो आप पहले फ़ोटोज़ या वीडियोज़ भी ले लो, ताकि फिर आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो कि भाई ये आपने ठोक दी, ये डेंट कर दिया, ये वाली चीज़ें नहीं हो, तो पहले ही आपको वीडियो ले लेना है।
ये बोहोल आइलैंड पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये है यहाँ का सेंटर एरिया, तो यहाँ पे मैकडोनल्ड भी है, जॉलीबी भी है, शॉपिंग सेंटर्स भी है, और यहाँ पे छोटे छोटे फूड कोर्ट्स और रेस्टोरेंट्स भी है, तो आप यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एटीएम्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारी बैंक्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। हमारा होटल में चेक इन टाइम है 1 बजे का, तो अभी हमारे पास 2 घंटे हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा घूम लेते हैं, मसाज करा लेते हैं, और या तो कुछ शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग भी कर लेंगे। तो अभी आते हैं फिलीपींस वीज़ा पर कि आप फिलीपींस में वीज़ा फ्री एंट्री कैसे ले सकते हैं। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो एक कंडीशन है, आपके पास होना चाहिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा, यूके, सैनजन और सिंगापुर, इन कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री का कोई भी वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, रेसिडेंस हो, कोई भी वीज़ा हो, तो आप फिलीपींस में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं 14 डेज के लिए। और अगर आपके पास इनमें से किसी भी कंट्री का वीज़ा नहीं है तो आप सबसे इजी होता है सिंगापुर का वीज़ा लेना। तो आप अपने किसी भी टूर एजेंट, नज़दीकी टूर एजेंट से संपर्क करके आप सिंगापुर का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ईजिली सिंगापुर आ सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर आना इंडिया से बहुत ही ईजी है। आपको बहुत सारी बजट एयरलाइंस भी मिल जाएगी, एयर इंडिया भी बहुत सस्ती फ्लाइट्स कभी कभी देती है, SQ में भी आपको सिंगापुर आकर फिर सिंगापुर से आप बजट एयरलाइंस ले सकते हैं, जेट स्टार हो गया, सीबू पैसिफिक हो गया, एयर एशिया हो गया, स्कूट हो गया, बहुत सारी फ्लाइट्स जाती है, मनीला, सीबू, पालावान, फिर हो गया बोराकाई, तो बहुत सारी फिलीपींस में अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो आप सिंगापुर से डायरेक्ट जा सकते हैं। तो आपकी सिंगापुर के साथ 2 कंट्री कवर हो जाएगी, जिसमें फिलीपींस का वीज़ा भी फ्री हो जाएगा। तो ये है सिंगापुर से फिलीपींस और इंडिया से फिलीपींस जाने का ईजी रास्ता। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और आपको मिलता हूँ दूसरे वीडियो में।